वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं खड़ा हूँ इस टाइम पर विक्टोरिया टर्मिनस के सामने। विक्टोरिया टर्मिनस जो कि मुंबई का मोस्ट पॉपुलर प्लेस है और बताया जाता है कि ताजमहल के बाद सबसे ज़्यादा फ़ोटो खींचने वाली जगह भी यही है। तो ये दिन में जितना खूबसूरत लगता है, रात में उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बनाया हुआ है, आप यहाँ पर आकर सेल्फी वगैरह खिंचवा सकते हैं, इसकी फ़ोटो वगैरह क्लिक कर सकते हैं और आप आराम से इसको देखना सकते हैं। इसका कोई चार्ज नहीं लगता देखने का। और ये जो है ना, बहुत खूबसूरत है और दिन में जितना खूबसूरत है, रात में उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। तो दिन का व्यू अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30, तो अभी 7:30 बजे का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ, 7:45 बज रहे हैं देखो। और मैं रात को भी आकर यहाँ पर दिखाऊँगा इसका व्यू। इसमें जो लाइटिंग जो इसकी जलती है ना, वो बड़ी ख़तरनाक होती है, बड़ी ज़बरदस्त वाली होती है। तो अभी दिन का व्यू देख कर इंजॉय कीजिए। और ये इसके साइड में है मुंबई नगर महापालिका का मुख्यालय। इसकी भी बिल्डिंग देखिए कितनी ज़बरदस्त है भाई, कितनी खूबसूरत है। और ये कितना प्यारा लग रहा है भाई, क्या व्यू है इसका। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर बहुत सारी मूवी की शूटिंग हुई है, तो ये एक अलग ही अट्रैक्शन है मुंबई की। आप देखते होंगे मुंबई को जब लोग दिखाते हैं मूवीज़ वगैरह में, तो इस जगह को ज़रूर दिखाते हैं, क्योंकि भाई ये इतनी ज़्यादा प्यारी अट्रैक्शन है कि आप यहाँ बिना आए नहीं रह सकते अगर आप मुंबई आए हो तो। तो जी ये है इसका दिन का व्यू। जितना खूबसूरत ये दिन में लगता है, उससे ज़्यादा खूबसूरत ये रात में लगेगा, क्योंकि रात का जो मंज़र होता है यहाँ का, कुछ अलग मंज़र होता है। अगर आप मुंबई में आना चाहते हैं या मुंबई में आए हुए हैं, तो इस जगह को मिस मत करना, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत जगह है। और यहाँ पर जो है ना, सबसे ज़्यादा लोग आते हैं घूमने, क्योंकि ये इतनी खूबसूरत जगह, ये बहुत पॉपुलर है और यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल भी कर लिया है। तो मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा पहले, है ना। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ का आसपास का नज़ारा दिखा देता हूँ। रात को 1:18 पर यहाँ का क्या नज़ारा है, ये देखिए। इस टाइम पर कितना ज़बरदस्त ये चमचमा रहा है। एक यहाँ शूटिंग का सेटअप लग रहा है, जिसकी वजह से लोग भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, इतने सारे लोग। और ऐसे ही देखिए, इधर पूरा यह कैमरा वगैरह यहाँ लगा हुआ है, ये रहा क्रेन वगैरह मतलब। तो यहाँ पर किसी मूवी की शूटिंग होने वाली है, ये तो नहीं पता किस मूवी की शूटिंग होने वाली है, लेकिन यहाँ पर जो अभी स्थिति है, यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। अभी देखिए चांद कितना शानदार, और चांद का भी व्यू आ रहा है इसके साथ। तो चलिए मेरे साथ, मैं भी इस कुर्ते पजामे की आउटफिट में खड़ा हूँ इस टाइम पर, रात के 1:30 के करीब ऑलमोस्ट। तो चलिए आइए मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ कि ये किसने बनवाया और कब बनवाया। 1996 से पहले इसको विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1996 में इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज कर दिया गया। ये स्टेशन इस टाइम पर मुंबई का सबसे ज़्यादा बिजी स्टेशन है और यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित कर दिया है। तो मतलब आप इसको इस हिसाब से भी देख सकते हो कि एक पॉपुलर प्लेस के साथ साथ आज पॉपुलर एक टूरिस्ट स्पॉट भी है। ये स्टेशन विक्टोरियन गोथिक आर्किटेक्चर और इंडियन क्राफ्ट्समैन की जो इसकी कॉम्बिनेशन है, उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इसका कंस्ट्रक्शन 1878 में स्टार्ट हुआ था और 1887 में इसका कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया था, और इसको आर्किटेक्ट FW Stevens ने डिज़ाइन किया था। उस टाइम पर इसको बनाने में जो कॉस्ट आई थी, वो थी $20,000। मतलब जब ये बना था, उस टाइम पर इसकी कॉस्ट $20,000 आई थी भाई। उस टाइम के $20,000 पता है आज के 300-400 करोड़ के आसपास होंगे मेरे हिसाब से। तो गाइस, इस ब्यूटीफुल हिस्ट्री के बाद मैं दिखाता हूँ आपको करीब से इस ब्यूटीफुल जगह की खूबसूरती। मैं दिखाता हूँ इसकी कितनी खूबसूरत ये जगह है और करीब से दिखाता हूँ इसको। ये देखिए महानगर पालिका मुख्यालय भी कितना ज़बरदस्त तरीके से चमक रहा है ना, शानदार तरीके से। यहाँ देखिए, इधर चल रही है शूटिंग का कुछ काम वाम चल रहा है, मतलब अभी बैरिकेटिंग लग के कैमरे वगैरह उधर लगे हुए हैं। तो कौन सी मूवी की शूटिंग हो रही है ये भी मैं पता करता हूँ कि क्या सीन है। लेकिन पहले उसके पहले मैं आपको इसे करीब से दिखा देता हूँ। ये देखिए इसको इतने करीब से, 1:45 बजने वाले हैं ना, क्या शानदार है। देखो ऊपर एक मूर्ति है और ये देखिए क्या ज़बरदस्त व्यू है इसका रात का। है ना। तो गाइज ये था एक खूबसूरत व्लॉग, ये था इसका इतिहास और ये थी इसकी खूबसूरती जो यहाँ अभी इस टाइम पर रात को 2:00 करीब दिख रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। ख्याल रखिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर पुराने हो तो कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना। तो चलिए अल्लाह हाफिज़।